नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असम एक्सप्रेस में। मैं हूँ इस वक्त जामुगुरी घाट में। मैं जामुगुरी घाट इसलिए आया हूँ, पहले नदी का किनारा वहाँ तक था और आज 2-3 साल में यहाँ पहुँच चुका है। पता नहीं धीरे धीरे उधर और बढ़ते रहेगा। और ये देखा है, आइलैंड बन चुका है, द्वीप बन गया। अभी बरसात आने वाला और बाढ़ आने वाला। हर साल बाढ़ यहाँ का बहुत ही ज़मीन लेके जाता है। पहले ये नदी का किनारा जो घाट है, घाट वहाँ तक था, अभी पूरा जमीन जा चुका है। और बीच में देखो, नदी के बीच में आइलैंड बन गया, द्वीप बन गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आप लोग सोच रहे होंगे ये चौड़ा नहीं है, ये क्या ब्रह्मपुत्र नदी है। हाँ जी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन बीच में द्वीप बन चुका है, आइलैंड बन चुका है। क्योंकि यहाँ इस तरफ जमीन लेके जा रहा है और इस तरफ द्वीप बन रहा है। हम 3 साल पहले आता था ये घाट, नदी का किनारा वहाँ तक था, अभी ये पूरा जमीन जा चुका है। अब देखिए, हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। गाइस, हर साल यहाँ का जमीन लेके जा रहा है। अभी बरसात आने वाला, बाढ़ आने वाला, यहाँ का जमीन लेके जाएगा। फिर देखो, ये प्रोटेक्शन लगाया था बेम्बो से, लेकिन रुक नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। हर साल जमीन लेके जा रहा है और यहाँ का जमीन लेके जाता है, वहाँ द्वीप बना देता है। हुआ देखो, वो आइलैंड बना दिया। ये प्रोटेक्शन से कुछ नहीं कर पाता है। और गवर्नमेंट अच्छी तरह प्रोटेक्शन देने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सोचते हैं। हर साल जमीन लेके जा रहे हैं। और आप सभी को पता है, आसाम में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ होता है। बाढ़ की वजह से बहुत जमीन, खेती बाड़ी, पानी बर्बाद कर देता है। गाइस, आसाम में बाढ़ समस्या बहुत ही पुराना समस्या है और बहुत बड़ा समस्या है। गाइस, नदी का किनारा और अच्छी तरफ दिखाऊंगा आगे तक। वीडियो पे नज़रें जमाए रखिए।